how to live selfless life in the present society and present time and situation. Selfless life. वास्तविक अज्ञानता के कारण व्यक्ति स्वार्थ का मतलब ही भूल चुका है। स्वार्थ मतलब क्या? जीवन से लेकर मृत्यु तक आप सब इस सृष्टि को देखते हो, इस भौतिक जगत को देखते हो, लेकिन ये पूरे सत्य नहीं है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। स्वार्थ का मतलब क्या है? स्वार्थ का अर्थ क्या है? अज्ञानता के कारण सिर्फ आपने स्वार्थ का मतलब इतना ही समझ लिया है कि सब खुद के लिए चाहे। स्वार्थ का मतलब यही होता है कि कुछ बेहतर हमारे खुद के लिए चाहिए, सर्वश्रेष्ठ हमारे खुद के लिए चाहिए। लेकिन फिर से प्रश्न आ जाता है कि सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना मतलब क्या? सर्वश्रेष्ठ का मतलब अज्ञानता के कारण व्यक्ति ने बना लिया है कि इस भौतिक जगत यहाँ से सब कुछ प्राप्त कर लेना, खुद के लिए प्राप्त करना, खुद सर्वश्रेष्ठ बनना, हर चीजें उसके लिए चाहिए। इस अज्ञानता के वश स्वार्थ का मतलब गलत निकाल दिया। वास्तविक जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी आत्मा स्वार्थ चाहती है। स्वार्थ का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना खुद के लिए, ना कि दूसरों के लिए। तो आत्मा के लिए और इस जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये भौतिक चीजें, ये कामनाएं, ये विषय वासनाएं, ये भौतिक जगत जो शाश्वत नहीं है, सब भ्रम और माया से उत्पन्न किया गया, इसकी तरफ भागता है और यही उसके दुख का कारण भी बन जाती है आखिरकार। तो स्वार्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ बनने का मार्ग क्या है? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे लिए खुद के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहिए, भले वो चीज हो, वस्तु हो या कोई कर्म, सर्वश्रेष्ठ चाहता है। तो निस्वार्थ से किया गया कर्म सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है और इससे ही आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यही आपके मोक्ष का मार्ग है और यही आत्मा चाहती है और ये जीवन भी आपको इसलिए प्राप्त हुआ है। और आत्मा का स्वार्थ भी इसमें है कि वो स्वार्थ में मोक्ष चाहता है, ना कि इस भौतिक जगत को चाहता है। सिर्फ अज्ञानता के कारण व्यक्ति ने इस भौतिक जगत को स्वार्थ के रूप में देख लिया है, लेकिन वास्तविक इस जीवन का, इस आत्मा का स्वार्थ उस मोक्ष को पाना है, उस ब्रह्म तत्व को पाना है। और इस स्वार्थ जन्म से लेके मृत्यु पर है और मृत्यु के बाद भी आत्मा स्वार्थ चाहती है। स्वार्थ कभी छूटता नहीं, स्वार्थ हमेशा साथ रहता है। सिर्फ आपने व्याख्या उसकी अलग बना दी है अज्ञानता के कारण कि स्वार्थ का मतलब कुछ वस्तु, कुछ कहने, कुछ घर, सुख समृद्धि, साधन, इसमें आपने स्वार्थ को ढूंढ लिया है। लेकिन वास्तव में इसे जिस चीजों में आप स्वार्थ ढूंढते हो, बेहतर ढूंढते हो, यही आपके दुख का कारण हो जाते हैं। इसलिए वास्तविक स्वार्थ का मतलब समझना आवश्यक कि स्वार्थ है क्या। और आत्मा हमेशा स्वार्थ चाहती है, स्वार्थ करती है।